दिनांक 13 मार्च को एक बच्ची छिजारसी डूब क्षेत्र से, जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास थी, ये गुम हो गई थी। ऐसी सूचना इनके घर वालों ने दी थी पुलिस को, जिसमें तत्काल पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया और 4 टीमें गठित की थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लगभग 200 लोगों से जो है वो बात की गई, जिसमें एक हमें फुटेज मिला जिसमें एक व्यक्ति उस बच्ची को ले जाता हुआ दिखाई दिया। मैनुअल इनपुट्स के आधार पर उसकी पहचान सोनू के रूप में हुई, जो वहीं का लगभग 100 मीटर दूर का रहने वाला था। इससे इसका जो जीजा है, इसके साथ मिलकर के इसने बच्ची का जो है वो अपहरण किया था, और अपनी बहन जो वर्षा और रेखा है उनके बागपत के आवास पर रखा हुआ था, जिसमें पुलिस ने जो है वो तुरंत रेड करके बच्ची को सकुशल बरामद किया। बच्ची ठीक है, स्वस्थ है, और सोनू एवं नीटू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेखा, वर्षा और जो सोनू भगत है, पुलिस इसकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी करेगी, दबिशें चल रही हैं। जो जानकारी अब तक निकल के आई है पूछताछ में, सोनू व्यक्ति जो इसके पड़ोस का रहने वाला था, ये अविवाहित था और इसकी शादी ना होने की वजह से इसने सोनू भगत से संपर्क किया। उसने बताया कि यदि कोई नरबलि दी जाएगी तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसी क्रम में इसने जो है इस बच्ची का अपहरण किया था, और ये होली में इस तरह की घटना कर सकते थे, ऐसा जो है इनके द्वारा बताया गया। परंतु पुलिस की सक्रियता और जो है मैनुअल इनपुट्स के आधार पे बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है। मुख्य अभियुक्त और उसका साथी पुलिस हिरासत में है, अन्य अभियुक्तों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना के अनावरण में पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा 50,000 रुपये का इनाम टीम को दिया गया है। सर, कितने लोग थे इसमें शामिल और क्या बच्चों को रखा, कहां पर रखा था? टोटल 5 लोगों की अब तक जो है वो जानकारी हो पाई है, जिसमें 2 लोग जो मुख्य थे वो हमारी हिरासत में हैं, अरेस्ट हो चुके हैं। 3 अन्य लोगों के लिए दबिशें चल रही हैं, और ये यहाँ से जो है वो बागपत में जो इसकी बहन का ससुराल था वहाँ पर बच्ची को लेकर के गए थे, और वहीं पे जो है इनके बलि देने का प्रोग्राम था। अभी तक आपराधिक इतिहास कोई उस तरह का नहीं निकल के आया है, शराब पीना और उस तरह की बात जरूर निकल के आई है, परंतु कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं निकली। बलि वाली बात अभी पुष्ट नहीं हो पाई है। जो सोनू से बात हुई है उसमें गांव में लोगों को कोई समस्या हो जाए तो झाड़ फूँक करना, धागा बांध देना, किसी को जो है वो बच्चे ना हो तो उसको जो है वो धागा बांध देना, इस तरह की बातें जो है वो करता था। जो बच्ची कब्जे में रही है, नहीं, बच्ची सकुशल है।